हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए थे, तो मैं एक्सरसाइज 9C के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 9C, तो हमने एग्जाम्पल्स आपको करवा दी थी, तो एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करवाने जा रहे हैं। देखिए, लाइक ये क्वेश्चन है, इफ ये आपका क्वेश्चन थर्ड है, हाँ जी बच्चों, बी पार्ट। तो बाकी के आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे और मेरे से डाउट पूछेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 5x4 प्लस 2x² माइनस 3x² प्लस 7। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स हमें गिवन है, एक रूल, एक फंक्शन हमें गिवन है। तो बच्चों, हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, तो हमने यहां पर लिखना है चेंजिंग एक्स टू माइनस एक्स। इसको फर्स्ट मान लो इन इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें f ऑफ माइनस एक्स चाहिए, इसलिए हमने दोनों तरफ x को माइनस एक्स में चेंज कर दिया। देखिए, जहां पे x मिला वहां पे माइनस एक्स लिख देना है, लाइक दिस। x की जगह पे माइनस एक्स लिख देना है, बाकी सेम। तो देखिए f ऑफ माइनस एक्स, तो बच्चों माइनस 1 नहीं, माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स, और इसकी पावर 4 है, तो माइनस 1 की पावर 4 1 होती है, मल्टीप्लाई एक्स की 4 इट कम्स टू बी x4। तो इसको हमने वापस 5 एज इट इज एक्स की 4 लिख दिया, प्लस 2, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस खत्म हो गया। इन द सेम वे नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो आप ऑब्जर्व करोगे जो राइट हैंड साइड है ये आपकी एफ एक्स बनी, ये तो आपकी एफ एक्स है, इसको आप fx लिख सकते हो। तो therefore ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अरे यही तो प्रूव करना था, एंड प्रूव। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो दिस इज क्वेश्चन थर्ड, बी पार्ट। तो बिल्कुल सिमिलर सम से इसके साथ वाले पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। देखिए बच्चों, फिर सेम है क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट सेम है, तो क्वेश्चन फोर्थ करवा देते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी दोनों सेम है, मैं बी पार्ट करवा रहा हूं। इफ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x-1 इफ x is greater than 3 and same fx हमने x square minus 2 लेना है, अगर x minus 2 से बड़ा या minus 2 के equal होगा, पर x 3 से छोटा या 3 के equal होगा, ऐसे पढ़ना है। एंड वही वाला फंक्शन fx आपने 2x plus 3 लेना है अगर x को minus 2 से छोटा होगा। तो find हमने क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट हमने f ऑफ माइनस 1 निकालना है, समझो ध्यान से, हमने f ऑफ माइनस 3 निकालना है, हमने f ऑफ 2 निकालना है और हमने f ऑफ 4 निकालना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स को आपने 3x-1 लेना है अगर x 3 से बड़ा होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एफ एक्स को आपने x²-2 लेना है अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी जब 2 हो, -2 से बड़ी जब 2 हो पर लेस देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से छोटी, अगर x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में होगी, -2 भी अगर हो और 3 भी, x की वैल्यू -2 हो जब 3 हो जब इसके बीच में हो, तो हमने फंक्शन को x²-2 लेना, एंड सेम फंक्शन को आपने 2x+3 लेना है
अगर x की वैल्यू माइनस टू से छोटी होगी, अगर x की वैल्यू माइनस टू से छोटी होगी तो एफ एक्स को ये है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें एफ माइनस वन निकालना है, तो बच्चों जब ब्रैकेट में है वो x की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू माइनस वन जो है, हाँ जी जो माइनस वन है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, देखिए माइनस वन जो है वो माइनस टू और थ्री के बीच में आ रहा है, चेक करिए थ्री से लेफ्ट टू होगा, फिर वन होगा, फिर जीरो होगा, फिर माइनस वन होगा, तो जो माइनस वन नंबर है वो माइनस टू और थ्री के बिटवीन आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो फंक्शन हमें देखिए क्या लिखोगे, फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये एक्स की वैल्यू है, तो हमें फंक्शन कौन सा कंसीडर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। आई होप क्लियर है सबको, पर हमें तो बच्चों एफ माइनस वन निकालना है, तो दोनों तरफ एक्स को माइनस वन पुट करेंगे, तो ये माइनस वन स्क्वायर माइनस टू, तो माइनस वन स्क्वायर इज वन, वन माइनस टू इट इज माइनस वन, तो इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में देखिए एफ ऑफ माइनस थ्री चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस थ्री कहां पे आ रहा है, थ्री से बड़े नंबर्स हैं ये, तो माइनस थ्री नहीं आएगा, माइनस टू और थ्री के बीच में माइनस थ्री नहीं आता, तो अगर थर्ड को देखें एक्स लेस देन माइनस टू, तो माइनस टू से छोटे नंबर कौन से, तो माइनस थ्री इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हमें फोर एक्स इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू है, ये माइनस थ्री लिखी हुई है, अगर एक्स माइनस थ्री है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कौन सा लेंगे, थर्ड वाला 2x प्लस थ्री। तो बच्चों पर हमें निकालना क्या है, इट इंप्लाइज हमने निकालना क्या है, f ऑफ माइनस थ्री निकालना है, तो दोनों तरफ x को माइनस थ्री पुट करेंगे, तो वही है लाइक दिस, माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री आ गया, एंड थर्ड वन f ऑफ टू निकालना है। हाँ जी बच्चों ये फोर्थ है, ये फोर्थ पार्ट है, तो थर्ड में f ऑफ टू निकालना है, ब्रैकेट में x की वैल्यू है, तो टू जो है, हाँ जी थ्री से बड़ी, फर्स्ट कैटेगरी फेल होगी, माइनस टू और थ्री के बीच में देखिए टू आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है ना, तो ये टू जो है फिर यहां से कम है, तो लिखोगे थर्ड पार्ट के लिए, फॉर द थर्ड पार्ट फोर एक्स इक्वल टू टू, तो हमारा फंक्शन क्वेश्चन के रूल के अकॉर्डिंग ये वाला है एक्स की माइनस टू, इसके बिटवीन आ रहा है, अगर एक्स की वैल्यू कोई भी इसके बीच होगी तो ये फंक्शन लेना है, तो एक्स की वैल्यू टू इस फंक्शन इसके बीच में है, तो फंक्शन को हमने ये ले लिया और दोनों तरफ एक्स की जगह पे टू पुट कर दिया, टू स्केयर इज फोर, टू स्केयर इज फोर, फोर माइनस टू इज टू आंसर। अब समझ आ गया सबको, एंड लास्ट कैटेगरी एफ ऑफ फोर, तो बच्चों अगर एक्स फोर से बड़ा है तो देखिए कौन सा फंक्शन लेंगे, हाँ जी कौन सा फंक्शन लेंगे, अगर x 3 से बड़ा है तो इधर वाली वैल्यू इस पे 4 आ रहा है, तो अगर x 4 है तो हमें फंक्शन ऑफ x 3x माइनस 1 लेना है, ठीक है, तो f ऑफ 4 कितना है, x को 4 पुट कर दो, तो 12 माइनस 1 11, दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ आ गई सबको, तो ये इसको पढ़ना कैसे, मैं फिर से बता देता हूं, फंक्शन f फ्रॉम r टू r, इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको फिर से मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, देखिए दो सेट्स हैं, इन सेट के एलिमेंट्स को इससे जोड़ना है अकॉर्डिंग टू रूल, ये फंक्शन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अकॉर्डिंग टू दी चॉइस ऑफ x, अगर x की वैल्यू थ्री से बड़ी है तो ये फंक्शन है, अगर इनके बीच में है तो ये फंक्शन है, इक्वल लिखा है तो माइनस टू के लिए भी ये है, थ्री के लिए भी ये है, तो माइनस टू से छोटी के लिए फंक्शन ये है, तो रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स, मतलब ये सेट में रियल नंबर्स हैं, ये सेट में रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, जो हमने छोटी क्लास में पढ़े हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरैशनल को मिक्स इकट्ठे कर दो तो दे फॉर्म आर रियल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवाया ये सब। तो नेक्स्ट है, तो देखिए क्वेश्चन फिफ्थ सेम है, क्वेश्चन सिक्स करवा देते हैं, क्वेश्चन सिक्स एफ एक्स हमें गिवन है लॉग एक्स, हाँ जी हमने प्रूव कर रहे हैं
तीन पार्ट्स हैं प्रूव. फर्स्ट पार्ट प्रूव दैट एफ ब्रैकेट में एम एन इक्वल टू एफ एम प्लस एफ एन. ये एफ एम एन का मतलब क्या है, वही कि एम एन की इमेज देखनी है. ये फर्स्ट सेट में एम एन, सेकेंड सेट में किससे एसोसिएट हो रहा है. क्लियर है, हम बता चुके हैं सब कुछ. तो देखिए एफ ऑफ एक्स हमें की बने लॉग एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड एफ एम एन है तो कब मिलेगी, अगर मैं एक्स को जो एम एन में चेंज करूंगा, पुट एक्स इक्वल टू एम एन. तो ये देखिए एफ एम एन, तो एक्स को एम एन पुट किया दोनों तरफ, तो ये आ गया लॉग एम एन. क्लियर हो गया सबको. तो लॉग की प्रॉपर्टीज ये हमें याद रखनी है. लॉग की प्रॉपर्टीज ये छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है हमने. लॉग की थ्री प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन. अगर तीन नंबर्स है तो लॉग मान लो यहां पे ऐसे होता, तो अगर मल्टीप्लाई में तीन नंबर्स तो लॉग खुलता कैसे है, सबका लॉग अलग अलग लिखते हैं और बीच में प्लस का साइन डालते हैं, याद कर लो. एंड सो जितने मर्जी नंबर्स हो तो सबका लॉग अलग अलग लिख के प्लस लिख सकते हो. ठीक है, मैं तो लोअर क्लासेस में पढ़ा हमने. सेकंड प्रॉपर्टी लॉग की थी लॉग एम ओवर एन, दो नंबर डिवाइड में है तो ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग. और थर्ड प्रॉपर्टी लॉग की याद रखनी सभी ने, काम आती है लॉग एम रेज टू पावर एन. अगर ब्रैकेट में एम की पावर एन है ना तो लॉग बाहर है, तो ये पावर एन जो है लॉग के बाहर आ जाती है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. तो हमने प्रूव करना है एफ एक्स अगर लॉग एक्स है, प्रूव करो एफ ऑफ एम एन इक्वल टू एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन. तो बच्चों एफ एक्स गिवन है, तो हमने एफ एम एन निकालने के लिए दोनों तरफ एक्स को एम एन में चेंज कर दिया. तो देखेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी ये फर्स्ट वाली, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं हाँ जी तो क्या लिखेंगे, अकेले अकेले का लॉग बीच में प्लस का साइन. तो बच्चों एफ एम एन ये आ गया. चलो यहां पर छोड़ दो प्लीज, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन स्टोर कर लो. तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एफ एम एन, और राइट हैंड साइड क्या है, ये है. तो बच्चों आर एच एस इट इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ एन. तो देखिए एफ एक्स आपको लॉग एक्स गिवन है, तो अगर मैं एक्स को एम में चेंज करूंगा तो लॉग एम बन जाएगा ना लॉग एम. तो लॉग एम को आप एफ एम लिख सकते हो, तो एफ एम की वैल्यू लॉग एम आ गई. इसी तरह एफ एन कितना आएगा, ठीक है एक्स को एन में चेंज करोगे तो एफ एन की जगह पे लॉग एन लिख दो. तो ये इक्वेशन नंबर टू है. तो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड टू. काफी आसान क्वेश्चन है ये. ठीक है बच्चों, तो इसके थ्री पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट लिखेंगे. सेकेंड पार्ट तो प्रूव दैट सेकेंड पार्ट में एफ एम ओवर एन इक्वल टू एफ एम माइनस एफ एन. तो देखिए हमारे पास एफ एक्स गिवन है लॉग एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए एक्स को हमने एम ओवर एन पुट करना है दोनों तरफ. तो ये एफ एम ओवर एन बन गई, इधर लॉग एम ओवर एन बन गया. तो देखिए एफ ऑफ एम ओवर एन, तो जो राइट हैंड साइड है अभी मैंने प्रॉपर्टी लगाई दो नंबर डिवाइड हो तो लोग दोनों का अलग अलग लिखते हैं, बीच में माइनस आता है, मल्टीप्लाई में प्लस डिवाइड में माइनस. तो अभी आपने बताया, तो ये क्या है लोग एम, अगर लोग एम निकालना है. देखिए चलो यहां पर छोड़ दो, ऐसे ही लगा पिछले क्वेश्चन में, ये नया पार्ट है इसको फर्स्ट स्टोर करो. अब ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है हाँ जी. तो राइट हैंड साइड कौन है, जो मैं प्रूव कर रही एफ एम माइनस एफ एन. तो बच्चों एफ एम कितना होगा, एक्स को एम में चेंज कर दो तो लॉग एम आ जाएगा. इसी तरह एफ एन क्या होगा, लॉग एन हो जाएगा. फ्रॉम वन एंड टू काफी इजी क्वेश्चंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है, ट्राई कर लो, वेरी वेरी इजी सम्स. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन सेवन सिमिलर टू क्वेश्चन सिक्स, यू कैन ट्राई योर सेल्फ, कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे से आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चन सेवन एट एग्जैक्टली सेम, नाइन्थ करवा देते हैं. चलिए नाइन्थ करवा देते हैं.
हमें एफ एक्स गिवन है 2 की पावर एक्स ये गिवन है, तो प्रूव दैट एफ एक्स प्लस 3 माइनस एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15 ओवर 2 एफ ऑफ एक्स। तो देखिए हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों एफ एक्स हमें गिवन है 2 की पावर एक्स, अगर f1 निकालना है तो दोनों तरफ x को 1 पुट कर दो, f2 निकालना है दोनों तरफ x को 2 पुट कर दो, तो जो भी ब्रैकेट में होता है वो x की जगह पे जाता है। तो देखिए अब ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में x प्लस 3 है, तो ये कब मिलेगा, चेंजिंग x टू x प्लस 3, दोनों तरफ x को x प्लस 3 में चेंज कर देंगे। समझ आया सभी को? ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें ये एफ एक्स गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स। तो बच्चों कंपेयर करिए, हमें एफ एक्स प्लस 3 चाहिए, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 है तो ये कब मिलेगा, अगर एक्स को आप एक्स प्लस 3 में चेंज कर दोगे, मिल गया। अब इसी तरह से एफ ऑफ एक्स माइनस 1 चाहिए, कंपेयर आपको इससे करना है, तो एक्स को एक्स माइनस 1 में चेंज कर दो। तो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड टू पुटिंग दी वैल्यूज, देखिए तो एफ एक्स प्लस 3 इसकी जगह पे 2 की पावर एक्स प्लस 3 रख देंगे, एफ एक्स माइनस 1 तो वैल्यूज पुट कर दो। हम जानते हैं बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिटिव, देखिए दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, तो ऐसे अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इन द सेम वे। आप देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो बच्चों इट इज इक्वल टू यहां से ये स्टेप 2 की पावर x, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 2 की पावर x। अच्छा नेगेटिव पावर हो ना तो रेसिप्रोकल लेके पॉजिटिव पावर बना दिया, 2 के माइनस 1 है तो नेगेटिव पावर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो रेसिप्रोकल ले लो 2 की पावर 1, तो 1 पावर मत लिखो चाहे। देखिए फाइनली इन दोनों में से 2 की पावर x कॉमन आ रही है दोनों में है, तो ये बच गया बच्चों यहां पे 8 बचा यहां पे 1/2 बचा। देखिए 2 के x एलसीएम में आता है 8 टू द 16 माइनस 1 15 ओवर 2, तो यही तो प्रूव करना था 15/2 और 2 की पावर x, इसको आप वापस एफ एक्स लिख सकते हो hence proved। तो बच्चों आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट सम जितने भी है बाकी उस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में करवा चुके हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।